राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को कोरोना के संबंध में असावधानी न बरतने की चेतावनी दी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर की असावधानियों के कारण हमारे अपनों ने जान गंवाई है, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए और मास्क पहनने और दूरी रखने जैसे नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम सब जानते हैं, रोज टीवी में देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है। अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, यूरोप के कई देश आज कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई है और इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें। हम ये ना भूलें कि पहली और उसके बाद दूसरी लहर में हमने कई अपनों को खोया है। कोविड के कारण कई जिंदगियां असमय समाप्त हो गई। हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र कई ऐसे थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इसलिए मास्क लगाना छोड़ दिया, दूरी बनाना छोड़ दिया, कहीं ने वैक्सीन का जो टीका लगना था, सबको वैक्सीन लगनी थी वो ही नहीं लग पाए। मैं आज सभी प्रदेशवासियों से फिर हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, गांव गांव घर घर भी कीमत दस्तक दे रही है। जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया कृपया करके तुरंत लगवा लें। पहला किसी का रह गया हो तो वो भी लगवाए, तो बहुत बड़ी लापरवाही, अब तक नहीं लगवाया। और जिनका पहला लग गया वो दूसरा डोज जरूर लगवाए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 9,91,00,000 डोज हमारे मध्यप्रदेश में लग चुके हैं। हम थोड़ा और जागरूक हो जाए तो सभी पात्र भाई बहनों को ये डोज लगा के हम सुरक्षा का चक्र कोरोना से दे देंगे। कोरोना से बचाव का क्या उपाय है? सबसे प्रमुख उपाय है टीका लगवा लो। और दुनिया भर में जो टीका लगवा रहे हैं उनको या तो संक्रमण होता नहीं है या बहुत हल्का फुल्का होता है। कोई बहुत सी बीमारियां हो तो अलग बात है, नहीं तो सामान्यता अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ती है और जिंदगी बच जाती है। जिंदगी भगवान ने, ऊपर वाले ने इस दुनिया में रहने के लिए दी है। इस जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि लापरवाही में हम इसको गवा दें। और इसलिए मैं केवल इस स्कूल में नहीं आया, मैं प्रदेशवासियों से प्रार्थना करने आया हूं, संदेश देने आया हूं कि कृपया करके आज ही आप टीका लगवाएं अगर अब तक नहीं लगवाया है। और जितने धर्मगुरु हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने अनुयायियों को, चाहे वो किसी धर्म के हों, वो टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। सभी समाज सेवियों को निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सेवा का काम है कि ये वैक्सीन लगवाना है। और आप सभी बहनों भाइयों से मेरा अनुरोध कि आपके घर में अगर कोई रह गया हो तो आज ही टीका लगवाएं।
आपका पड़ोसी रह गया तो उसको भी प्रेरित करके ले जाए टीका लगवाए। कोई बिना टीके के ना रहे, हम सबकी जवाबदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मास्क लगाए रखें और सब मिलकर हम काम करें ताकि कोरोना की इस तीसरी लहर को आने के पहले रोक दें। हम रोक सकते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए, मीडिया के मित्रों का भी सहयोग चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।